दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं IEX के बारे में और साथ ही साथ 12 शेयर्स का पोर्टफोलियो में आपके साथ में इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर आप बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे IEX के बारे में, क्योंकि IEX ने आज ही के दिन अपने फरवरी मंथ के नंबर्स यहां पर रिलीज कर दिए हैं और नंबर बहुत ही शानदार यहाँ पर निकल कर आए हैं। लेकिन उसके पहले अगर आज के IEX के ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए, तो आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर कोई बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिले, लेकिन शेयर्स ने आज के दिन 219 रुपये का हाई भी बनाया था और यही इसकी आज के दिन हमें ओपन प्राइस भी देखने को मिल रही थी। अगर लो की बात करें तो 212 का शेयर्स ने लो बनाया, लेकिन यहाँ पर जो क्लोजिंग निकल कर आई है वो एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको उस रिपोर्ट की तरफ ले चलता हूं जो आज ही के दिन IEX की तरफ से निकल कर आई है। तो आप देख सकते हैं 3rd of March आज ही के दिन कंपनी ने अपने फरवरी मंथ के डाटा यहां पर रिलीज कर दिया है। बहुत ही शानदार ग्रोथ हमें फरवरी मंथ में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं IEX अचीव 8760 मिलियन यूनिट्स वॉल्यूम इन फरवरी 2022, सिंग 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो यहाँ पर वॉल्यूम में जिस प्रकार की तेजी हमें देखने को मिल रही है, कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार वॉल्यूम यहाँ पर रिकॉर्ड हासिल करी है IEX ने। वहीं अगर रियल टाइम मार्केट सीज की भी बात करें तो वहां पर भी जो कंपनी की परफॉर्मेंस निकल कर आई है, जो 1556 मेट्रिक वॉल्यूम्स यहां पर निकल कर आई है, उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 39% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी बात यह कि IEX को ग्रीन मार्केट के अंदर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आप देख सकते हैं लगभग अगर यहां पर ट्रेडिंग की बात करें तो 6.12 लाख REC ट्रेडेड ड्यूरिंग द मंथ। IEX के नंबर बहुत ही यहाँ पर शानदार देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और जिस प्रकार के नंबर्स एक्सपेक्ट किए गए थे उसी प्रकार के नंबर्स IEX के हमें फरवरी मंथ के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इंडिया का जो फरवरी मंथ का पावर कंजम्पशन के भी नंबर निकल कर आए हैं, जहां पर लगभग 2.2% की ग्रोथ यहां पर रिकॉर्ड करी गई है, उससे इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि एक्सचेंज से रिलेटेड ये कंपनी लगभग 90-95% मार्केट कैप्चर करके बैठी है और इसी कारण से इस कंपनी को इंडिया के अंदर जिस प्रकार से पावर की डिमांड बढ़ेगी, पावर यूटिलाइजेशंस की डिमांड बढ़ेगी, इस कंपनी को उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जहां पर दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स हमें देखने को मिल चुके हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं। कह सकते हैं कि अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर अभी ये शेयर्स आपको देखने को मिल रहा है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं, कुछ मिड कैप शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो IEX के अंदर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ये शेयर्स भी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 200 का सपोर्ट इसका इंपॉर्टेंट लेवल काम कर रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी को लेकर चल सकते हैं। बात करें नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर 232 रुपीज के लेवल्स एक्सपर्ट्स की तरफ से भी निकल कर आ रहे हैं, और साथ अगर इसके टेक्निकल चार्ट को भी एनालिसिस करें तो वहां पर भी यही लेवल्स 232 हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इन लेवल्स को आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म पर्पस से भी इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के उन 12 स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर आप बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं, और रशिया वर्सेस यूक्रेन के क्राइसिस के बीच में आप इन 12 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जिस सबसे पहले शेयर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, उसका नाम है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ऑलमोस्ट 7% तक की शानदार तेजी हमें शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल चुके हैं और यहाँ पर भी आप खरीदारी करते हुए चल सकते हैं। लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के भी जो टारगेट है वो 70-75 रुपीज के अप्रॉक्स शॉर्ट टर्म में निकल कर आ रहे हैं। इस शेयर्स के अंदर भी आप 45 रुपीज के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। आज के दिन फाइनली हमें ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर भी ऑलमोस्ट 2.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। मार्केट अवर्स में यही तेज़ी हमें लगभग 3-3.5% की भी देखने को मिल चुकी थी, यहाँ पर भी आप खरीदारी करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है IEX। IEX ऑलरेडी मैं आपके साथ डिटेल में कवर कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बता भी दिया है कि फरवरी मंथ की जो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी की निकल कर आई है वो बहुत ही शानदार है, और यहां पर भी आप लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्टमेंट करते हुए चल सकते हैं।
दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को लेकर भी एक बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आ रही है। अगर आप उस पर भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कंपनी को एक काफी बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है जिसमें कंपनी को लगभग 1000 ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करना है और उसी को देखते हुए कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए हमें देखने को मिल रही है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कंपनी के पास ऑर्डर बुक है और यहां पर भी आप लॉन्ग टर्म पर्पस से खरीदारी करते हुए चल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। जी हां दोस्तों, इस कंपनी को भी आप बायोडिप की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं और यहां पर भी जैसे जैसे गिरावट होती है मार्केट में आप इन स्टॉक्स के अंदर एसआईपी कर सकते हैं। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी यहां पर काफी शानदार स्टॉक है। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करके हमें इनकरेज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे हमें दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिल चुके हैं। आज के दिन हमें लेटेंट व्यू के अंदर एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मार्केट के वॉलेटिलिटी के कारण ये शेयर्स भी काफ़ी चीपेस्ट प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं और इस शेयर्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर स्टॉक्स के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स लिमिटेड जो शेयर्स आपको आज से ठीक 10 दिन पहले लगभग 500 रुपये प्लस देखने को मिल रहा था, वो अभी आपको 437 रुपीस पर देखने को मिल रहा है। यानी कि काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर टाटा मोटर्स का शेयर भी अभी आपको देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार के ऑटो सेल्स के नंबर्स फरवरी मंथ के निकल कर आए हैं और टाटा मोटर्स ने बाकी सभी कंपनियों को बीट कर दिया है, तो ये शेयर्स भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकता है। दोस्तों इंडिया के अंदर 5G स्पेक्ट्रम बहुत जल्दी यानी नेक्स्ट ऑफ मंथ से स्टार्ट होने जा रहे हैं जिसमें भारतीय एयरटेल को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो यदि आपने भारतीय एयरटेल के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं और अगर गिरावट होती भी है तो यहाँ पर आप अपने एवरेज को बेटर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो HDFC बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब FMCG सेक्टर के बारे में जिसमें इंडिया की नंबर वन कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL को भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हुए चल सकते हैं। काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर HUL का शेयर भी अभी हमें देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में जिसका नाम है TCS। इंडिया की नंबर वन IT सेक्टर कंपनी, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट IT सेक्टर कंपनी जिसके अंदर आज के दिन आपको कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन इस शेयर्स के अंदर भी आप खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप SIP शुरू कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं आज के हमारे लास्ट शेयर्स के बारे में जिसका नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड, जहां पर आज के दिन हमें भले ही 5 से 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे इस कंपनी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है। बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी इस शेयर के अंदर भी आप लेकर चल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।